तो गाइस फाइनली हम लोग सेवन नंबर टी गार्डन पे आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा देखो कुछ अलग ही है। मुंह मत छुपा, सब लोग देख रहे हो। हम आप कार ब्लॉक करेंगे जैसे बाइक पे होता है मोटो ब्लॉक। अभी टाइम हो रहा है 1:31, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो ये नया पार्ट शुरू हो रहा है, अभी थोड़ा सा इधर उधर साइट सीन्स घूमने वाले हैं। मतलब प्रॉपर प्लान नहीं है कि यहाँ फिक्स जाएंगे, जहाँ मतलब मन करेगा। दार्जिलिंग तो मतलब यहीं से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर होगा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और साथ ही साथ आसपास में और जितने खूबसूरत जगह है ये लोग बता रहे थे, तो वहाँ पर जाएंगे, देखते क्या होता है। आप लोग बने रहना मेरे वीडियो पे, उम्मीद करूँगा आप लोग को ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अभी का जो सीनिक ब्यूटी है आप देख पा रहे हो यार, चारों तरफ क्लाउड्स ही क्लाउड्स। कुछ देर पहले वेदर बहुत ज़्यादा क्लियर था, लेकिन अभी वेदर थोड़ा सा डार्क हो गया है क्योंकि क्लाउड्स ही क्लाउड्स हो गए चारों तरफ, तो सामने कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा मन खराब हो रहा है। ये लोग बता रहे थे कि सुबह वेदर क्लियर था और कांचनजंगा दिख रहा था यहाँ से, लेकिन क्या करें, किस्मत में नहीं है इसलिए हुआ नहीं। तो टाइम देख लेते कितना हो रहा है फिर से। अभी टाइम हो रहा है 1:33। सो वॉट्स वेलकम बैक टू एक्चुअल, मैं होप करता हूँ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलो जल्दी से चलते हैं, मतलब लंच करते हैं यार, भूख लगा है थोड़ा सा, लंच करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो गाइस ये रहा, अभी हम लोग लंच कर रहे हैं, इधर चावल और ये रहा पापड़, और फिर यहाँ पर आलू का कुछ सब्जी बना हुआ है, और इधर ये दाल, और ये देखते हैं ये तो खुल नहीं रहा है। अंडा करी सर, अंडा करी सर, वही हाँ अंडा करी है। चलो कोई नहीं, ये अभी हम लोगों का मतलब लंच है, अभी लंच करेंगे और सीधा अभी निकलेंगे टहलने के लिए, क्योंकि भाई घूमने आए हैं तो घूमना तो बनता है। तो चलो जल्दी से खाना खाते हैं, निकलने से बात है। तो गाइस अभी देख पा रहे हो कैसे मैं उतर रहा हूँ, पीछे तो हालत और ज्यादा खराब था और मतलब एकदम से खड़ी चढ़ाई, और उसका छोटा सा नमूना हाथ ये देख लो। अभी कोई हाँ ये यो बेबीस, ये टंकी कैसा फूल हो गया बे? टंकी? देखो गाइस कैसे इस जंगल के बीचों बीच से हम लोग अभी जा रहे हैं घूमने के लिए। ये जो रास्ता है ये कोलाखाम का याद दिला रहा है यार, क्योंकि वो वाला रोड भी ऐसा ही कुछ था। वे, वे, वे। वो वाला रोड भी ऐसा ही कुछ था यार। और चलो जाते टाइम मैं आप लोगों को दिखाऊंगा
उस सामने का रास्ता कैसा है, कितना बड़ा बड़ा पत्थर, ये तो कुछ ही नहीं है भाई। यहाँ तो पत्थर एकदम से अपने जगह फिक्स्ड है, लेकिन वो जगह पत्थर अपनी जगह फिक्स नहीं है भाई। अलग ही रास्ता है वो। अभी आए आ चुके हैं, अभी देखा ये अभी तो रास्ता ऑलमोस्ट सही है, अभी कुछ देर बाद से फिर से खराब हो जाएगा देखना। अरे मैंने ये लगाया नहीं यार, देखो सही है। हाँ अभी कुछ देर बाद रास्ता खराब होगा, तो बहुत कंप्लेन कर चुका हूँ मैं रास्ते का, और ज़्यादा कंप्लेन करना नहीं चाहता। यहाँ का मतलब जो वाइब है वो ऐसा ही रहता है, तो हर टाइम अभी सोचो दाहुल जाने में कैसा फील आएगा। दाहुल हम लोग पहले जा चुके हैं, और अभी वहाँ जाने का कोई प्लान नहीं है। ये देखो रोड देखो भाई, ओए ऐसे ही मतलब भूर भूरा पत्थर निकला हुआ है बड़े बड़े यार। और देखो गाइस ये जो रोड जा रहा है, यहाँ से भी आप नीचे उतर सकते हो, मतलब सोनादा जा सकते हो। और ये दूसरा रूट है, ये रोड से जा रहे हैं हम लोग, मतलब एकदम से स्टेशन के सामने हम लोग उतर जाएंगे। तो ये रोड हम लोग देख रहे हैं कि ये स्टेशन के सामने कहाँ निकलता है, तो उस रेंज से ये वाला रोड से जा रहे हैं हम लोग। और साथ ही साथ नया एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि वो रोड बहुत ख़राब है यार, ये थोड़ा सही है, उतना ख़राब रोड से वो नहीं होगा। तो गाइस ये रहा मेन रोड, तो ओए 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 हाँ प्रॉब्लम तो नहीं रखता था। हाँ वो सामने से स्टेशन से पहले ये स्टेशन, यहाँ एक बनाना का दुकान मिलेगा, सब्जी का दुकान मिलेगा, और यहाँ से आप लोगों को पीछे से इधर शॉर्टकट निकल जाना। तो अभी तो रास्ता पूछ लिया हम लोगों ने, और वही फिर से स्टेशन के सामने से हम लोग जा रहे हैं। नहीं का कौन सा रास्ता है, कहाँ का? इंद्रानी फॉल्स। इंद्रानी फॉल्स यहाँ जाएगा पेट्रोल पंप। हाँ पेट्रोल पंप का जो एग्जिट है वो एक नीचे गया रास्ता। अच्छा एग्जिट से नीचे गया रास्ता, यहाँ से भी जा सकते हैं, ये वाले रोड से भी यहाँ से भी जा सकते हैं। अच्छा यहाँ से क्या सीधा निकल जाएगा? यहाँ सीधे जाके किसी से पूछ लीजिएगा, कॉरिडोर बोल के जगह है। अच्छा बता देगा, ये भी जा सकेगा वो भी जाएगा, तो उससे जाते हैं वो बढ़िया होगा। वो अकेले हैं? नहीं नहीं और दोस्त लोग भी हैं। ऐसे ही आप भी जा रहे हैं? हाँ हाँ तो ठीक है, ये रास्ता थोड़ा खराब है मगर अच्छा है, और प्लस शॉर्टकट है। अच्छा शॉर्टकट है ये, ओके ओके थैंक यू भैया। सामने पेट्रोल पंप है ना, वहाँ सामने पेट्रोल पंप से जो रास्ता जाता है वहाँ से नहीं गए हैं, और जा रहे हैं हम लोग इधर से ये वाले रोड से। ये ट्रैफिक ऑफिस यहाँ पर, और इसके सामने ही है हम लोग जा रहे हैं सात नंबर थ्री गार्डन। तो बहुत देर से यार उतर ही जा रहे हैं यार, दिमाग का दही हो गया। अभी थोड़ा सा सही तरह से बाइक चला पाएंगे। और साथ ही साथ गाइस और एक चीज़ जो है, रेनबो वाटरफॉल्स जाने वाला था, लेकिन रेनबो वाटरफॉल्स तो रह गया ऊपर, तो वो जाते टाइम पूछेंगे, अगर टाइम मिला तो जाएंगे, फिर नहीं मिला तो कल जाएंगे। अभी के लिए तो चलो यही वाला रोड है शायद से, वैसे कुछ लग रहा है।
शायद से यहीं से स्टार्ट होगा 7 नंबर ट्री गार्डन। हाँ भाई यही जगह है। एटा एटा। हाँ हाँ सही सही क्या ही जगह है भाई। और ये पेड़ देखो भाई क्या ही खूबसूरत लगा है। वो सामने जो व्यू पॉइंट दिख रहा है वो भी कमाल का है। वहाँ पर बाइक लेके जाएंगे भाई अगर जाने देंगे तो। यहाँ पर भी लग रहा है कि होम स्टे है लेकिन अभी के लिए तो हम लोग वहाँ पर ही जाएंगे। अभी फिलहाल के भाई शेडलिंग करते हुए तो गाइस फाइनली हम लोग 7 नंबर टी गार्डन पे आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा देखो कुछ अलग ही है। हालांकि गाइस मतलब वेदर थोड़ा सा क्लियर होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। वेदर क्लियर नहीं है लेकिन क्या करें। और यहाँ पर इतनी खूबसूरत से जगह पर भी लोगों को गंदगी फैलाना है क्या करें यार। और वहाँ सामने देखो वहाँ पर सूरज की किरणें आ रही हैं। हल्का हल्का फ़ोन पे दिखाई दे रहा है। और यार हेलमेट पहना हुआ है कब से अलग लेवल का जगह है यार अलग लेवल का जगह है यार। सिनेमैटिक एंजॉय करो इतनी खूबसूरत जगह की। अभी न्यू राइड पे हम लोग जा रहे हैं ये गाड़ी पे बैठ के और ये देखो भाई मोटो ब्लॉग किया जा रहा है और मेरा मीम बनाया जा रहा है। ये रहा पास में दीदीप और वो रहा अभिजीत बैठा हुआ है। हाँ मुंह मत छुपा भाई मुंह मत छुपा सब लोग देख रहे हो। हम आप कार ब्लॉग करेंगे जैसे बाइक पे होता है मोटो ब्लॉग हम कार ओ भाई आज अल्टीमेट फन हो रहा है। कभी उतर रहे कभी कहीं जा रहे हैं। और एक बंदा सो ही जा रहा है उसका कोई नींद का कोई ठिकाना नहीं। हाँ आकाश ओ गॉड। हे गाइस अभी 5:15 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग मॉल रोड। और भीड़ देख रहे हो भाई जो रश है दार्जिलिंग में भाई तबाही वाला रश है यार। इतना सोचा नहीं था। हम लोग सोचे थे कि नहीं खाली खाली रहेगा तो थोड़ा सा घूम के आते हैं लेकिन सामने कोई रोड नहीं दिख रहा है बस इंसान ही दिख रहा है भाई। बहुत दिन बाद ऐसे मॉल रोड पे पैदल चल रहे हैं और मतलब टहल रहे हैं घूम रहे हैं। दार्जिलिंग वैसे तो आना नहीं होता है तो पास ही में थे तो प्लान अभिजीत अतिदीप का था तो उसी दिन से चलो घूम के आते बाइक रख के आए उधर और इधर हम लोग आ गए शेयर कार पे। भाई अल्टीमेट रश है ना अभिजीत भैया।
এর সামনে ভিড় হবে ও यार देखो रात के 7:30 बज रहे हैं और कैसे अंधेरे भरे जंगल से हम लोग जा रहे हैं अपने होम स्टे पे और थोड़ा सा मतलब वो घबराहट लग रहा है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, पास आ ही चुके हैं। कहाँ हम लोग घूमने के लिए आए हैं सोचो। One hour later. Hey guys, अभी हम लोग यहाँ पर बॉनफायर मना रहे हैं और इधर कुछ नहीं दिखेगा, इधर भी कुछ नहीं दिखेगा, बस यही दिखेगा क्योंकि अंधेरा है और मस्त वादिया का हम लोग कौन सा ये वाला लड़की भाई आज का रात जो है भाई बहुत तबाही वाला है। हालांकि लाइट नहीं है, मैं सही तरह से आप लोगों को दिखाने पर आकाश तो कभी अभी उठा है, उसका फेस अभी दिखेगा नहीं क्योंकि सब लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं। तो आप लोग छोटा सा एक सिनेमेटिक एंजॉय करो, उसके बाद मिलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, कैसा आप सब लोग, होप करता हूँ सुमित्र बहुत से अच्छे होंगे। और ये दिस इज अ वेरी नेक्स्ट डे और अभी टाइम हो रहा है 8:13। तो मतलब आज थोड़ा सा मैं लेट उठा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टायर्ड लग रहा था कल और रात को वीडियो दिखाने लायक कुछ नहीं था। तो ये रहा हमारा रहने की जगह, हमारा होम स्टे, वहाँ सामने किचन। तो जब ब्रेकफास्ट करेंगे तो किचन पे ले जाएंगे शायद से आप लोगों को। कल मैंने किचन बढ़िया तरह से दिखाया नहीं था लेकिन आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और उससे पहले जो मेरे पीछे जो नज़ारा दिख रहा है ना वो देखो पहले। वाओ, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। तो ये नज़ारा देखो भाई कोई। तो अभी इधर सामने से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, भैया बता रहे हैं कि वहाँ से कांचनजंगा एकदम से क्लियर दिखेगा। तो बस वहीं जा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलो वहाँ पर ही चलते हैं और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ एक खूबसूरत सा नज़ारा। Hey guys, अभी हम लोग थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए चेक कर रहे हैं एक छोटा मोटा सा। और पीछे आप आपा पीछे देख सकते हो, दीदी भी आ रहा है जस्ट एक चीज़ देखने के लिए, वो है कांचनजंगा भाई। वो अलग है, वो देखेंगे भाई। चलो ओए, बहुत दिन पर ऐसे ट्रेकिंग कर रहा हो तो सांस फूल रहा है यार। Hey guys, थोड़ा सा ट्रेक करते हम लोग को माउंट कंचनजंगा दिख गया। वो रहा, आप लोगों को दिख रहा है ये सफेद ग्लेशियर, यही है माउंट कंचनजंगा। अभी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे इधर क्योंकि इधर आकाश लोग हैं तो उसी दिन से थोड़ा ऊपर जाएंगे। ओ भाई यार, काश मेरे पास S23 अल्ट्रा होता यार। ये बाजू वाला पीक भी दिख रहा है अभिजीत, ये बाजू वाला पीक भी दिख रहा है। हाँ ऊपर आ जाए, ये बाजू वाला,
वो देख ओए भाई साहब, कैसे यहाँ से और ज्यादा बढ़िया दिख रहा है, लेकिन ये पता नहीं क्लाउड्स लोगों का क्या दिक्कत है भाई, एक नज़ारा दिखने को है और इन लोगों को डिस्टर्ब करना है यार। बहुत सांस फूल रहे क्योंकि फिर उतरा अभी को लेने के लिए और फिर आया दौड़ के, यार बहुत ही ज़्यादा सांस फूल रहे, लेकिन नज़ारा देख के दिल शांत भाई हुई। और जूम करता हूँ अच्छी तरह, देखो गाइस वो बाजू वाला पीक थोड़ी देर पहले दिख रहा था लेकिन वो दिख नहीं रहा है अभी, बस ये वही माउंट कंचनजंगा भाई साहब। हे गाइस अभी हमारा देखना कंप्लीट हो चुका है और वो लोग नीचे भी जा चुके हैं। यार दिन बन गया, कितने साल से मैं इसको देखने के लिए वेट कर रहा था, कब दिखेगा, मम्मी बहन सब लोग ने देख लिया था लेकिन मैं नहीं दिखा था। और ओए तो चलो चलते हैं उधर नीचे, थोड़ा पानी पीना है, पानी लेके नहीं है, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, चलो चलते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:40 और यहाँ से भी दिख रहा है कंचनजंगा पीक, और अभी जाने वाले हैं चौटुकपुर, तो नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद निकल जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा मैं और बड़ा नहीं करता हूँ, यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना, उसके पास जो बेल बटन उसे प्रेस करना ताकि मेरे वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। साउंड सुनाई दे रहा है, इतना शांत जगह है और इन लोगों का साउंड क्या ही, मतलब एक अलग दुनिया में आ गया है ऐसा वाला फील हो रहा है। तो मिलता है फिर से और एक नए वीडियो के साथ और खूबसूरत नजारे के साथ।